इस मतलब को ये रिंग काटी थी बाय चांस कोर्ट में चलेगा तो आप इसको निकाल दो और कुछ नहीं करना बस रिंग काटी थी ये शायद ज़्यादा पीछे से तो नहीं तब ग्रोथ आई होगी सर रिंग नहीं नहीं ठीक कटी ठीक कटी ठीक कटी थी नहीं अब इसमें क्या करना है आपने मान लिया अभी बीमा बहुत हो गया तो इसमें क्लोज आने की कोशिश करनी है फिर एक कमी और है जैसा बीमा यहाँ है ना उधर भी होना चाहिए था इधर 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 भी होना चाहिए था ये इसमें और इसमें मान लिया इसमें ऐसा बीमा होता जैसा यहाँ है तो यहाँ से ऊपर तक कितनी पेटी सेव निकली थी सर मैं आपको दो साल से फॉलो कर रहा हूँ ये जो हमारे क्या है ये चीजें काट देते थे पहले दो साल से मैंने नहीं काटा वो ऐसा हो गया इस साल अच्छी बात है सर वो पूरा फुल हो गया नीचे से लेकर ऊपर तक फुल होना चाहिए उसमें सेव आएगा हमारे यहाँ तक तो बिल्कुल खाली कर देते थे हो गया ना फुल हाँ इस साल बिल्कुल क्या करना मान लिया आप कैसा बीमा बन गया उसको नजदीक लाना है इसको ऐसे मान लीजिए छह आठ इंच में रखना चाहिए बीमा आपने अच्छा और जनरली हम बोलते हैं कि अगर यहाँ हम बीमा लगाएंगे चढ़ते टूटेगा टूट गया सौ बीमे आपके यहाँ तो सौ में बीस टूट गए टूट गए ना लेबर को बोलना है कि तू बीमे तोड़ रहा है बीस टूटेंगे अच्छी तो आपके ना ये तो है और सबसे बढ़िया सेफ यहाँ बनता और साइज साइज हमारी बहुत प्रॉब्लम थी साइज की हजार पेटी में 800 सेपरेटर अच्छा जी तो अब पिछले साल मैंने सात साल के बाद लार्ज मीडियम स्मॉल भरा है तो मेरा ही सत्य उसी से उसी से मैं क्यों क्यों यहाँ सेफ सबसे बढ़िया बनता है कंडीशन ये कि धूप पहुंचनी चाहिए अंदर ये बिल्कुल सैप के पास है आप ये समझ चलो कि ये गांव की पाइप लाइन है आपकी पानी आता है इसमें अब आपको सोचो पानी यहाँ से ज्यादा मिलेगा कि आपको वहाँ ज्यादा मिलेगा यही मिलेगा ना? से मिले। सिर्फ कंडीशन ये कि यहाँ धूप पहुंचनी चाहिए वो आपने बचानी है ऊपर का झाड़ कम करके मतलब क्लोज करके तो जो फ्रूट क्वालिटी यहाँ बनती हो कहीं नहीं बनती मैं अपने बगीचे में थिनिंग करता हूँ तो मैं यहीं से थिनिंग शुरू करता हूँ क्योंकि मेरा सबसे बड़ा साइज और सबसे रंग वाला सेब यहाँ होता है चोटी में नहीं होता और 99% केसेस में चोटी में सेब होता है ज्यादा बढ़िया अच्छा अब जैसे इसमें बीमा बन गया ना इसकी क्लोजिंग करनी है आपने अब जैसे मान लिया यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह बीमा बहुत ज़्यादा है अब क्लोजिंग कैसी करनी है कि अब आपको लगता है कि इतने बीमे मेरे काफ़ी है तो ये पीछे से नहीं काटना इसमें ये रिंग है सारी कहीं से भी काट दो यहाँ से काट दो यहाँ से काट दिया ये सेब देगा नेक्स्ट ईयर यहाँ बीमा आ जाएगा इसको पूरा उड़ा दो फिर ये आँखें नहीं खुल रही ये आँखें खुलनी चाहिए बीमा इतने दायरे में होना चाहिए सर वो इसलिए कि धूप नहीं रोकेंगे दूसरी टहनी कभी भी अच्छा एक ये कट बहुत गंदा है ये मैंने बहुत खड़ी खड़े चाहते हैं इसमें क्या होगा भविष्य में अगर मान लिया सेब लग गया ये ऐसे घूम जाएगी ये पूरा टहना ही घूम गया टहने घूमने से क्या होगा जो यहाँ के सेब होंगे उल्टे हो जाएंगे उसमें सनबर्न लग जाएगा बहुत शिकायत आती है सनबर्न लग रहा है जी हमारे मेन कारण टहना घूम रहा है टहनियाँ खड़ी नहीं टहनी जैसे आप ये खड़ी करें अगर यहाँ ब्रांच बनानी थी आपने लग रहा है कि आपको यहाँ ब्रांच चाहिए क्या ना चाहिए आपको तो यहाँ से चाहिए था ये तो घूम फिर के गया ना यहाँ से कहना बन सकता कि भी खाली जगह मेरे पास कोई भी यहाँ वो टूटा उसमें मोटा हेड लग दो वो तैना बन जाएगा तीन चार साल में इसको कोई जरूरत नहीं हमारे इसमें तैना नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ चार पाँच बैंड तो यहाँ पहले आ गए तो सैप मूवमेंट कम होगा अब जैसे ये बहुत ऊँचा जा रहा है तो कहीं से भी काट दो आप इसको यहाँ से भी काट सकते हैं अपने हिसाब से बीमा रखो यहाँ रेंगे यहाँ से भी काट सकते हैं आगे का भी निकाल के नज़दीक लाने की कोशिश करो होता है क्या मान लिया ये टनार का छः इंच आगे यहाँ से पत्ती और जाएगी ये पत्ती आओगी तो जो यहाँ सेब होगा ना या नीचे सेब होगा नीचे की टहनी में इतना फर्क नहीं पड़ता जो चोटी की टहनी होती है वो धूप रोकेगी जब तक धूप नहीं तब तक सेब क्वालिटी नहीं सेब की क्वालिटी मान लीजिए जैसे मैंने इस टहनी को करा था मैं ऐसे करता इसको ये भी काटता ये रिंग लेता अच्छा अगर आपने इसको काटना ही आपको लग रहा है कि दूसरे पेड़ में छू रहा है या कुछ हो रहा है तो ऐसे काटो कि चाहे वो पत्ती सीधी सी टहनी है जो उसी साइड जा रही हो वीक टू स्थिति के साथ मतलब जो टहनी इसी साइड जा रही हो ताकि टहनी की चोटी सीधी रहे
अब इसमें भी सेब लगा, ये इधर घूमेगा या उधर घूमेगा, इसमें सेब तो लगने वो तो ना, इधर को बहुत कम जाता है, देखो इधर को तो पूरा टहना दिख जाता है, इधर को भी जाएगा तो जो टहनी उसी साइड जाएगी ना उसमें, जैसे ये है। अब बीमे से तभी काट सकते हैं आप, अगर ये भी रिंग काटी है पिछले साल, बीमे से आप तभी काट सकते हैं अगर उसमें सेब लगा है। अगर सेब नहीं लगा मान लिया मैं इसको काट दूंगा यहाँ से, तो ये बीमा सेब देके ग्रोथ में चला जाएगा, बीमे से काटना। अब इससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मैं बीमे की छिंटाई कर रहा हूँ थोड़ी, और वाटर शूट आएंगे इसमें, नहीं नए वाटर शूट आएंगे उसमें आप बीमा बनाओगे। और सबसे बड़ी बात जो ऊपर से धूप से जलते पेड़, अगर आपसे पूरा भरा होगा तो धूप लगेगी नहीं शायद, वो फायदा होगा आपको। हाँ जी कुछ पूछना। मेंटेन है ये था इसका, ये वाला ये सेकेंडरी आ गया, इसी को मेन बना लो, मेन बना लो इसी को, अब क्या करना मजबूरी है, इससे तो मोटा हो गया, मतलब ये नहीं करना पड़ेगा। मैं ये बोलता हूँ कि बड़े पेड़ को कम से कम नुकसान पहुँचाओ, इसमें भी बीमा रखो कोई चक्कर नहीं, पर आपका मेन अभी है, पर इसमें टॉप में ये गड़बड़ कर दिए जो खड़ा कर दिया, इसको आप छोटा करेंगे तब ठीक रहेगा, आधे में आधे से काट दो आप इसको, नहीं तो घूम घूम गया तो यहाँ से आगे का सारा सिस्टम बन लग जाएगा। जैसे ये टहना हमारे को नहीं चाहिए, कहीं से भी काट दो उसको, यहाँ से काट दो, ये भी नहीं चाहिए, आगे कोई बीमा नहीं है, बीमा नहीं काट रहा मैं, मैंने यहाँ रिंग ले ली। अब जैसे ये है, ये रिंग काटी है कोई बात नहीं, पीछे तो बीमा आ गया हमारे को, आगे इसको काट दो, मैं इसको यहाँ से काट सकता हूँ, इसको यहाँ से काट दो, मतलब कि हमने मोटिव टैनिक नजदीक लाना जहाँ सप्लाई ऑफ सैप इज मोर, ये हमने क्लोज करा तो उसी साइड का एक टैनिक ले लिया हमने कि भाई इतना ही चाहिए हमारे को, यहाँ से आगे नहीं चाहिए। अब इसी टैनिक में देखो आपके कितने बीमे, कितना सेब संभालने लायक है ये, कहीं से भी आप क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं इसको, यहाँ से कर सकते हैं बीमे के, मैं जहाँ है आपके टेढ़ा मेढ़ा कट मार सकते हैं आप, टेढ़ा ले आ सकते हैं उसको, उसमें नहीं प्रॉब्लम, जो मेन टैन है उसको टेढ़ा ले आ सकते हैं आप। जैसे सर टहना जैसे पेड़ पूरा कंप्लीट हो गया ना ऊपर, हाँ जी हाँ जी, तो ऊपर वो हेडबैग छोड़ देना फिर, उसके हेडबैग छोड़ दो, उससे क्या होगा कि आपके अंदर वाटर शूट आएंगे, इधर भी वाटर शूट निकलेंगे, इधर भी निकलेंगे, उसमें भी मामला आपको। और ऐसा नहीं करना कि मान लिया आपने एकदम क्लोज कर दिया, यहाँ लाया, सबसे पहले हमें अगले साल की फसल देखनी है, उसके बाद सोचना कि हमने बीमा बनाना है, फसल ही टूट चुकी है, पीछे आएंगे आप ये तो हो गया ना, ये मैंने कमजोर पे डाल दिया, ये रिंग ले ली, यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, ये मैं कुछ नहीं करूंगा क्योंकि अगर मैं इसको यहाँ से काटूंगा इसमें सेब नहीं लगाए तो ग्रोथ में चला जाएगा, तो कोई फायदा नहीं मेरे काट के इसको, इसको भी कमजोर में डाल दो, सिर्फ ये इसलिए हो रहा है कि ताकि धूप अंदर तक पहुंचे, और कोई कारण नहीं। और ये टहना था, हाँ जी डाउन ला सकते हैं, कमजोर पर डाला ना नीचे वाले कमजोर, यहाँ इसलिए लाया मैं कि फिर पीछे बीमा नहीं बच रहा मेरे नेक्स्ट ईयर की क्रॉप के लिए, बंद हो जाएगा ना, बंद हो जाएगा, मतलब ये फिर धीरे धीरे तब आप लाएंगे, अगर यहाँ झमघट बीमे का तब आप डाउन ला सकते हैं, जैसे हर फर्स्ट ईयर ऊपर से सेकंड और डाउन थोड़ा थोड़ा करके लाओ, क्योंकि इमीडिएट होगा तो फिर ये बहुत ज्यादा खराब करनी नेक्स्ट ईयर की। जैसे ये मैंने यहाँ क्लोज कर दिया, अब इसमें यहाँ मेरे पास इतना नहीं होता, यहाँ की रिंग भी ले सकता हूँ, तीन चार बीमे मेरे पास, अब इसमें क्या होगा जिसमें ग्रोथ नहीं आई कहीं भी, हेडबैक नहीं देनी इसमें क्योंकि इसके अंदर टर्ना मेन टर्ना नहीं, अगर आपने इसको बड़ा लेंज ले जाएंगे ना, अब यहाँ वाटर शूट खुलेंगे इसमें, फिर उसमें बीमा बनाना है आपने, और जब आपके इसमें बीमा होगा तो ये आसानी लचकेगा नहीं, ये सख्त हो जाएगा क्योंकि गांठी गांठी होगी ना इसमें, फिर उससे नेचुरली सख्त हो जाएगा। हाँ जी और कुछ नहीं सर, एक बार ऐसा मेंटेन में आपके पूरा बीम निकलेगा तो उसमें ज़्यादा जमघट नहीं हो जाएगा, फर्क कायम आपको मेरी आपकी, मान लिया आपके यहाँ से चार वाटर शूट निकलते हैं, आप बोलेंगे मैं एक रखता हूँ ठीक है ना, और एक में मैं 10 बीमे बनाता हूँ, मैं क्या करूँगा चारों में दो दो बनाऊंगा, कितने बने 8, और सैप कहाँ से मिला उसको मोटी टहनी से, अभी देखो आपके इसमें कितने बीमे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 बीमे हैं, बने सोते हैं मैं एक टहना 9 बीमे का रखूँ, अरे परे कुछ नहीं रखूँ, मैं इसमें 2, 2, 3, 3 बीमे कैसे 2, 3 टहने बनाऊंगा, अगर यहाँ और घने होता तो मैं यहाँ से भी काटता इसको, क्योंकि उसका सैप मोटी टहनी से आ रहा तो फ्रूट क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होगी।
मतलब एक बार बीमा बन गया उसको छेड़ने की कम करने पड़ता, सिर्फ कम करना पड़ता और टहने के नजदीक आना। ज्यादा जानकारी के लिए आप एंड्रॉइड प्ले स्टोर से टॉक एप्पल ऐप डाउनलोड करके टॉक एप्पल कम्युनिटी मेंबर्स से चर्चा कर सकते हैं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो कृपया हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।